लास्ट टाइम सब लोगों ने किया था एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एलिमेंट एक्सपेंशन फॉर द एक्सपेंशन 0 कर दिया था अल्फा बीटा गामा किया था। अब हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तीनों के बीच में रिलेशन मतलब पहले अल्फा बीटा के बीच में, फिर अल्फा और गामा के बीच में, फिर अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच में। तो स्टार्ट करें हम लोग, सब रेडी है? चलो सब यहाँ देखो सब रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा? अल्फा हमको पता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे सेट होगा, यहाँ देखो जरा समझो। डायग्राम जरूरी नहीं है, बस बता रहा हूं आपको। से कोई भी ऐसा मेटल प्लेट है जिसका लेंथ है एल जीरो, ब्रेथ है बी जीरो एट जीरो डिग्री सेल्सियस। जब हमने उसको हीट सप्लाई किया, बट दिस मेटल प्लेट इज हीटेड, its length becomes LT, breadth becomes BT at 3 degrees Celsius. बराबर है? इसका A0 क्या हो जाएगा? L0, B0. और AT क्या हो जाएगा? LT, B. Hope यहां तक किसी कुछ डाउट नहीं है, बराबर है? अभी length लेंथ है, ब्रेड एक लेंथ ही है, ब्रेड भी तो एक लेंथ है ना बेटा, लेंथ लेंथ है, ब्रेड की लेंथ है, थिकनेस होता तो एक लेंथ ही हो, बराबर है। सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सिंस एल टी इक्वल्स टू एल जीरो वन प्लस अल्फा टी। बेटा मैंने एल टी बी टी दोनों का वैल्यू लिख दिया, देयरफॉर व्हाट इज एल टी इंटू बी टी, एल टी इंटू बी टी दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल जीरो बी जीरो वन प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। सबको समझा अच्छे से, ये हमको क्या दे देगा, एक क्या दे देगा ए जीरो, और यहाँ पे क्या लिख सकता है वन प्लस टू अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, बराबर है ना? हम लोगों ने पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ा है
since alpha is very small in order of 10 power minus 5 per degree Celsius, 10 power minus 5 per degree Celsius. तो बेटा अगर मान ले अल्फा का वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है और उसको स्क्वायरिंग किया हम लोगों ने माइनस 10 में पहुंच जाएगा, माइनस 10 मतलब 0.9 टाइम्स 0 फिर 1, दूसरा छोटा नंबर कोई लिखता भी है क्या? तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर देंगे बेटा, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस, हेंस term having higher power of alpha can be neglected. Therefore, AT A0 1 plus 2 alpha T. ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू एरियल एक्सपांशन हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा बोलो, AT इक्वल्स टू A0 1 प्लस बीटा T। चेक करो पढ़ा है कि नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट किया लीनियर एक्सपांशन के बेसिस पे। अब यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या बोल सकते बोलो, 1 एंड 2 से बेटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। इक्वेट करो बेटा दोनों सेम से, शो ये दोनों भी शो, ब्रैकेट ब्रैकेट भी शो, 1 1 भी शो, प्लस प्लस भी गया, टीटी भी गया, तो बचा क्या? मतलब वैसे भी सोच के देखो ना बेटा, लीनियर क्या होता है 1D, एरियल क्या होता है 2D, तो अल्फा लीनियर का है, बीटा एरियल का है, तो रिलेशन तो बराबर है ना, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो कुछ डाउट नहीं होगा तो फटाफट छाप लो इसे। दस तुम लोग इधर ही क्यों नहीं आ जाते, आगे ही तो आ जाता था। या बेटा एक काम कर, तू पिछले बेंच पर एडजस्ट हो, तुम लोग आगे वाले बेंच पे बैठो। Thank you.
ओके लॉक करें। चलो यहां देखो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा कैसे आ गए इनके बीच का रिलेशन। यहां देखो सब सेम, यहां पे एक छोटू सा क्यूब है, बराबर है, लेंथ इज एल जीरो, ब्रेथ इज बी जीरो, हाइट इज एल जीरो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बी जीरो, वॉल्यूम एंड जीरो डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज इन हीटेड। सीधी सी बात है, इसका लेंथ इंक्रीज होगा, ब्रेथ इंक्रीज होगा और हाइट भी इंक्रीज होगा, तीनों भी इंक्रीज होगा, तीनों का एक्सपांशन होगा। बराबर है, ये क्या हो जाएगा एल टी, ये हो जाएगा बी टी, ये हो जाएगा एच टी, ये बी टी हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। तो लेंथ लेंथ है, ब्रेथ लेंथ है, हाइट तो लेंथ ही है, तो तीनों भी लेंथ है, तो लीनियर एक्सपांशन से क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट, एल टी इक्वल्स टू एल जीरो वन प्लस अल्फा टी, सिमिलरली बी टी इक्वल्स टू बी जीरो वन प्लस अल्फा टी, क्योंकि भाई सेम टेम्परेचर सबका राइज हो रहा है, लेंथ का भी ब्रेथ का भी हाइट का भी, ओवर एंड ऑल सेम बॉडी है, हाइट के लिए क्या लिखेंगे एच टी इक्वल्स टू एच जीरो वन प्लस अल्फा टी, तीनों भी हो। अब यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एल टी बी टी एच टी इक्वल्स टू एल जीरो बी जीरो एच जीरो वन प्लस अल्फा टी का क्यूब, ठीक है, उसको हम लिख देंगे बी टी, ये हो जाएगा बी जीरो वन, कौन बताएगा होल क्यूब का फॉर्मूला, बोल बेटा, ओके अभी हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, आपने जो बोला उससे को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके वन प्लस थ्री अल्फा टी प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब, वन ऑफ द सेम मीनिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग बोल देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे रहना, और यहां पे हम बोलेंगे सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल in order of 10 power minus 5 per degree Celsius and storm having higher power of alpha can be neglected, बराबर है, तो कौन कौन यहाँ से स्वा हो जाएगा बेटा, कौन कौन गायब हो जाएगा, यहाँ से एक गायब हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा, ये निकल गया यहाँ से, इतने बच जाएंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, Vt equals to V0 alpha equation number 1 and according to volume expansion, what we have Vt equals to V0 1 plus gamma t, तो फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो व्हाट इज गामा इज इक्वल्स टू, और वैसे भी जो वॉल्यूम होता है और 3D होता है, वॉल्यूम 3D, एरियल 2D और लेंथ 1D, तो 3D का 3 टाइम वॉल्यूम का 3 टाइम 1D होगा कि नहीं, तो 3 टाइम गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम, सबको याद रहेगा सबको, चलो आप लोग जल्दी से।
अल्फा का बोलो बोलो प्लीज बोलो फोर डी तो फोर टाइम ऑफ अल्फा अल्फा बोले तो ले लिया ना बेटा एक एक सिंगल लाइन फोर डी मतलब उसमें फोर लाइन तो रहेंगे फोर प्लेन्स तो रहेंगे चलो नेक्स्ट
next part is relation between alpha, beta and gamma. इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए बेटा, कैसे आएगा? ये देखो, सिंस बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय टू, इक्वेशन नंबर वन. सिंस गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय थ्री. From equations 1 and 2, from equations 1 and 2, क्या हो जाएगा? इसका भी अल्फा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम. बीटा बाय टू गामा बाय थ्री, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे बोलो? Therefore beta is equals to 2 by 3 gamma or gamma is equals to 3 by 2 beta. इसके बीच का भी रिलेशन आ गया. Therefore alpha is to beta is to gamma is 1 is to 2 is to 3. आया ना? इसके बीच का रिलेशन है. लिख लेंगे इसको. वो फारेनहाइट वाला सब कर लिया है ना, डिग्री सेल्सियस केल्विन फारेनहाइट पहले लेक्चर में किया था ना, और आइडियल गैस इक्वेशन भी. चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग. याद है मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा था, खोलता हुआ तेल हमारी बॉडी पे आता है पकौड़े खाते समय, तो हमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट सुबह जब हम नहाने को जाते हैं थोड़ा सा पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते. याद है कि नहीं क्वेश्चन पूछा था? आप लोग आंसर देने वाले हो? अभी गूगल आंटी से पूछे, गूगल अंकल से कुछ आंसर मिला?
तो बोले थे ना तुम सब कि हम पूछ के मतलब फाइंड आउट करके आएंगे, ऐसा पूछा था ना किसी को बैक पेन वगैरह होता है, दे आर यूजिंग हॉट वाटर बैग, तो हॉट वाटर बैग ही क्यों, हॉट केरोसिन बैग क्यों नहीं, मर्क्यूरी बैग क्यों नहीं, टी बैग कॉफी बैग क्यों नहीं, वाटर बैग ही क्यों, बता रहे हो कि मैं बताऊं? मैं बताऊं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, आप बुक खोलेंगे तो उसमें डेफिनेशन लिखा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ोगे भी इसमें, पर कैसा होता है ना कोई भी चीजों का डेफिनेशन पढ़ना अलग और उसको समझना अलग, दो अलग अलग चीजें होती है, पर डेफिनेशन के लिए ठीक है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक हीट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो स्पेसिफिक हीट का एक्चुअल मीनिंग होता है हीट स्टोरेज कैपेसिटी, क्या होता है इसका मतलब बेटा बोलो, हीट स्टोरेज कैपेसिटी, जो बॉडी ज्यादा से ज्यादा हीट स्टोर कर सकता है अपने अंदर उसको हम लोग बोलेंगे उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, और जो ज्यादा हीट स्टोर नहीं कर सकता बोलेंगे उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। भाई बेटा आप लोगों में देख लो ना, मैं तो पहले दिन से बोलते आया हूँ तुम्हारा फिजिक्स और तुम्हारे रियल लाइफ दोनों एक ही तो है, तो आप लोगों में से देख लो बेटा किसी को कितना भी छेड़ेंगे परेशान करेंगे तो लेट गो करेगा, चल आपने दोस्त है ठीक है, और किसी को थोड़ा छेड़ के देख सीधा झगड़ा ही हो जाता, मारा मारी पे ही आ जाती है, हाँ या ना, मतलब कैसा होता है सबका बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग है ना, चीजों को हैंडल करने का सबकी अपने अलग अलग कैपेसिटी है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, कौन सा बॉडी अपने अंदर कितना ज्यादा हीट स्टोर कर सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था उसका आंसर ये है बेटा कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, वाटर के जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी का भी नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को थोड़ा और इलेबोरेट करके बताता हूँ कि आप ऐसे 10 अलग अलग वेसल ले लो, उसमें अलग अलग लिक्विड अलग अलग सब्सटेंस लो, एक में वाटर भी लो, सब में थर्मोमीटर लगा दो, सबको गैस पर रख दो, सबको फुल करो एकदम, मतलब सबको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, ज्यादा ज्यादा हीट सबको मिल रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, आपको पता चलेगा सबसे लेट जिसमें राइजिंग टेम्परेचर होगा ना वो वाटर है। कहने का मतलब समझ रहे, सबको तो सेम ही हीट मिल रहा है, जो ऑयल होता है ना ऑयल उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, थोड़ा सा हीट मिला कि फट से गर्म होकर बॉयल भी होने लगे, घर में देखो मामा खाना पकाने के लिए ऑयल कढ़ाई में डाले एक 10-15 सेकंड नहीं होता कि वो बॉयल होने का चा, जब कोई भी चीज बॉयल होता है उसका क्या मतलब होता है, कोई भी चीज अगर बॉयल होता है उसका मतलब होता है कि जस्ट आ रहा है और जा रहा है बस, और कुछ नहीं बिटा, मेरा बात सबको समझा मैंने क्या बोला, कोई भी चीज बॉइल होने का क्या मतलब होता है, जस्ट हीट आ रहा है और उस बॉडी में से पास होकर बाहर जा रहा है, और जब तक बॉइल नहीं हो रहा तब तक वो हीट उसके अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। पॉइंट समझा आप लोगों ने, तो जो ऑयल है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है ही नहीं, हीट आया राइजिंग टेम्परेचर, और जो हमारा वाटर है बेटा वाटर वो बहुत ज्यादा हीट लेगा तब उसका थोड़ा सा राइजिंग टेम्परेचर होगा, मतलब उसका हीट कैपेसिटी क्या है ज्यादा, उसका मीनिंग समझा बेटा, वो ज्यादा हीट लेगा और राइजिंग टेम्परेचर कितना दिखाएगा बहुत थोड़ा सा, होप यू आर गेटिंग मी दिस बेटा, यही रीजन है कि वो खोलता हुआ तेल हमारे बॉडी पे आता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, कहने के लिए खोल रहा है बॉइल हो रहा है और उसमें ज्यादा हीट नहीं है, इसके लिए उड़ के हमारी बॉडी पे आता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम पानी की बात करें, वाटर की बात करें, जिस पानी से हम नहाते हैं, गर्म पानी से हम नहाते हैं, तो जिस कितने गर्म पानी से नहाते वहां तक तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, और उससे वो थोड़ा सा भी ज्यादा गर्म है तो कहने के लिए थोड़ा सा ज्यादा गर्म हुआ है, और थोड़ा सा ज्यादा गर्म होने के लिए उसने क्या किया है, बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब किया है बेटा, जिस हीट को हमारा बॉडी बेयर नहीं कर पाता, फिर उसमें ढेर सारा ठंडा पानी मिला के हम नॉर्मल करते हैं तब हम नहाते। बैक पेन वगैरह होता है तो दे आर यूजिंग हॉट वाटर बैग,
भाई हॉट वाटर बैग कुछ और क्यों नहीं, आप ही बताओ ना बेटा, ज्यादा पैसा कौन खर्च कर सकता है? जो ज्यादा कमा सकता है वही ज्यादा खर्च करेगा ना। अगर कभी डोनेशन देने की बारी है तो कौन ज्यादा डोनेट कर सकता है? राजा भोज की गंगू तेली, बट ऑब्वियस है राजा भोज, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है स्पेयर में, जो जिसके खुद खाने के वांदे हैं द गुरु क्या दूसरे को देगा, हाँ या ना। एक सिंपल सा पॉइंट है कि तो हीट वही दे सकता है जो ज्यादा हीट स्टोर कर सकता है, और ज्यादा हीट स्टोरेज कैपेसिटी किसका है? वाटर। एक बार जल्दी से गर्म नहीं होगा, बट एक बार गर्म होगा तो जल्दी से ठंडा भी नहीं होगा, और लंबे समय तक आपको ना हीट मिलता रहेगा। इसके लिए बेटा हॉट वाटर बैग यूज करते हैं। हाँ कौन था बेटा, तो किस पर खाना पकाना चाहिए? बेटा सुन सुन मेरी बात सुन, कौन था उसका खोबड़ा तो दिखा। ओके 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 बस 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 ए, अरे जो भी है सुन मेरी बात सुन, कैसा रहता है बेटा, हर चीज का ना एक पर्टिकुलर वैल्यूज होता है। देख अगर तो नॉर्मल खाना पका रहा है चल तो ऑयल में पकाता है, और जब तेरे को कोई भी चीज हो जाए नॉनवेज वगैरह खाते हो वो तो जल्दी पकता नहीं है ना, उसको अगर जल्दी से पकाना है उसको बॉइल तो करते हो ना, क्यों वाटर में बॉइल करते हो? ये भी तो पॉइंट है ना। उसमें से भी ना उसमें भी दो चीज अलग अलग है, होता है ना हम लोग प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का मतलब क्या बेटा, प्रेशर प्रेशर कुकर मतलब वो जो प्रेशर होता है, प्रेशर से क्या होता है बेटा ना, प्रेशर से ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होता है ना वो 105 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा, मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर हीट को स्टोर करना बंद कर देता था, क्योंकि 100 पे बॉइल होने लगेगा हीट, आया राम गया राम। तो क्या करेगा, 100 पे बॉइल नहीं होगा, 110 डिग्री सेल्सियस 105 डिपेंड कितना ज्यादा प्रेशर है। अब 110 डिग्री पे बॉइल होगा मतलब 110 डिग्री तक का हीट अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, और उस हीट की वजह से खाना फट से पक जाता है। क्यों जल्दी पक जाता, उसका रीजन यही है ना। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है, छोटू समझा? तो ऐसा नहीं कि भाई सबका कुछ अपना अपना इफेक्ट बर्ड्स है। अब तो ना पानी में ना पूरी तलने को जाएगा ना, पानी मतलब पूरी पानी के अंदर ही जल भी जाएगा उसका ना, पूरी का पापड़ बन जाएगा। क्यों क्यों बेटा बोल, क्योंकि वाटर कब बॉइल होगा, 100 पे, उस टेम्परेचर पे तब तो हमारा जल भी जाएगा आटा पूरा, वो बोलते हैं ना पूरी का पापड़ हो जाएगा। और यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं है, कब हीट पे ही बॉइल होता भाई उसका हमारा आ जाएगा। सबका कुछ ना कुछ कंडीशन रहता है, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता। ठीक है समझा, तुझे कोई पूछा था नाले चुभा तेरा आवाज पहचानता हूँ, उस दिन पूरे दिन तेरे साथ ही था मैं, है ना सार्थक, सार्थक ना तो वो सार्थक भी बोल रहे थे हम लोग। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बस बस ये पॉइंट सबको समझा बेटा। तो जो मैंने दो एग्जांपल बताया स्पेसिफिक हीट का, उसमें दो स्पेसिफिक हीट होता है, ये छोटू ये सुन ले, दो स्पेसिफिक हीट, एक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और एक मोलार स्पेसिफिक हीट। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलार में क्या फर्क है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। वही मोलार के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाई यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो प्रिंसिपल और मोलार में क्या फर्क है, प्रिंसिपल है तो यूनिट मास है, और यहाँ पे यूनिट मोल है, उसमें भी दो अलग अलग टर्म्स है। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर भी है मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तभी आप लोगों को एक के साथ 5 डेफिनेशन फ्री में है, मुझे पता है फ्री वाले चीज तुमको नहीं चाहिए रहेगा, बट यहाँ पे लेना ही पड़ेगा कंपल्सरी है, समझा? तो आप लोगों को 6 डेफिनेशंस लिखने हैं, कौन कौन से, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा बोलो, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, फिर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, फिर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट, सॉरी फिर मोलार स्पेसिफिक हीट, फिर मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट
याद रहेगा सबको, लिखेंगे सब लोग। अच्छा तो ये तुम खुद से लिखोगे कि मैं बोलूं तब लिखोगे? एक जैसा ही है ना, देखो प्रिंसिपल स्पेसिफिक है ना। So definition, right? Definition. Principal specific heat is defined as principal specific heat is defined as amount of heat energy required. Amount of heat energy required. Amount of heat energy required by unit mass of a substance to raise its temperature through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So, क्या लिखा? Principal specific heat is defined as amount of heat energy required by unit mass of a substance to raise its temperature through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Wait. इसके बाद बेटा हमारी बात सुन। जहाँ पे तुम लोगों ने लिखा है ना principal specific heat, वहाँ पे आपको लिखना है principal specific heat at constant pressure. Wait. Same definition, no change at all. Principal specific heat at constant pressure is defined as amount of heat energy required by unit mass of a substance to raise its temperature through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure. समझा ना बेटा क्या किया? Definition में भी at constant pressure add कर दिया और last में भी at constant pressure. खत्म. ठीक उसी तरह से क्या होगा? At constant volume. तो लिख पाएंगे सब लोग? ये दो लिखो, फिर अपन मोलार का करते। कम ऑन इंडिया, आजकल इसको याद करके खत्म कर। भूमिका नहीं, थोड़ा डन।
at constant volume. बस चलो ये हो गया वहां कौन सा हो गया प्रिंसिपल स्पेसिफिक है. नाउ पुट दैट इन मोलार स्पेसिफिक है. मोलार स्पेसिफिक है इसका भी डेफिनेशन सिर्फ सेम ही है. सर क्या चेंज है बेटा बोलो. यूनिट मास की जगह पे यूनिट मोल. राइट डाउन मोलार स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज मोलार स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. मोलार स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीज द टेम्परेचर टू सुना. मोलार स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस. रिक्वायर्ड बाय यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर. यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 degree Celsius और 1 Kelvin. ठीक है. अब इसी के जैसा क्या लिखोगे. मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. कम ऑन. Thank you.
Done. So, six definitions. ठीक है, अभी एडिट डालो सब लोग. रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक है एंड मोलार स्पेसिफिक है. रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट. ठीक है, पढ़ लिया बेटा, सबने पढ़ लिया, बोला लिख दिया इसको. क्या लिखा? रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट. तब जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इन दोनों को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं, किसको किसको, प्रिंसिपल और मोलार को. लिखो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. फॉर्मलिटी नाम की भी कुछ चीज होती है कि नहीं बेटा, करना पड़ेगा. हेडिंग डालो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट सिर्फ पहला वाला एक ही डेफिनेशन लिखो. मैं फिर से बोलता हूँ, ऑनलाइन में किसी को नहीं सुना होगा तो फिर से सुन रहे. क्या है? लिखो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ. Principal specific heat is defined as amount of heat energy required. Amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of a substance. एक ही है, लिखो तुम लोग जैसा लिख रहे. To raise the temperature of unit mass of a substance. Through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. To raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. हो गया? चलो यहाँ देखो, इसके बेसिस पे क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे? Listen, सब यहाँ. To specific heat. सी से लिखा है कि एस से, सी से और एस से, सी से ना. देखो क्या लिखेंगे, सी क्या बेटा बोलो,
principal specific heat C equals to dQ by m dT. अब देखा S से दिया C से ही ना. हाँ ठीक है. देख किसी किसी बुक में C से दिया रहता है, कहीं पे S से दिया रहता है. इसके लिए पूछ रहा C dQ by m dT. तो ना ना बराबर ऐसे रख. अब वो सी रखेंगे चुकी टेंशन नहीं. देखे यार देखो C is equals to be dQ by m dT. यस ये फॉर्मूला हो गया. कितना हीट एनर्जी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, इसके लिए m एंड 1 डिग्री सेल्सियस के लिए dT. dT मतलब चेंज इन टेम्परेचर. तो कितना टेम्परेचर को चेंज करना 1 डिग्री. m का भी वैल्यू कितना है 1. मतलब जितना हीट है वही हमारा क्या है स्पेसिफिक हीट. अरे ये हमारा फॉर्मूला है m dT. तो यहाँ पर तो dT का भी वैल्यू क्या है 1 बाय डेफिनेशन 1 डिग्री सेल्सियस सीरियस करता है. और यूनिट मास मतलब मास भी कितना होना चाहिए 1 kg. अगर दोनों 1-1 हो गया तो कितना हीट एनर्जी लगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, उस हीट को क्या बोलेंगे स्पेसिफिक हीट. और ये बात सबको समझ में आ रहा है. तो जिसने ज्यादा हीट लिया होगा 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो गया, जिसने कम हीट लिया होगा कम हो गया. ऐसा तो C is equals to dQ by m dT, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1. छाप लो. वो गलत नहीं था, वो ऊपर था बड़ा नीचे ला. ओके हो गया. अब लिखो मोलार स्पेसिफिक हीट. मोलार स्पेसिफिक हीट राइट डाउन. मोलार स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज सेम सेम टू डेफिनेशन बोला वाइल्ड फ्लो. वहां पे लिखा क्या कॉपी पेस्ट है बट मोलार स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिख लो. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज द टेंपरेचर, यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेंपरेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. डन. यहां देखो अब क्या करेंगे. यहाँ पे देखो मोलार को लिखेंगे सी डैश. क्या लिखेंगे सी डैश इक्वल्स टू यहाँ पे डी क्यू. नंबर ऑफ मोल को एन से रिप्रेजेंट करेंगे एन और डी टी यही है ना. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. तो C dash is equals to dQ and dT. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब बोलेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. तो C dash by C पत्ते को पहले सुनो. C dash by C equals to C dash का वैल्यू क्या है dQ by m dT. सी डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई करके रेशियो चेंज कर देते हैं एम डी टी अपॉन डी क्यू. डी क्यू डी क्यू छू डी टी डी टी छू. सी डैश बाय सी इक्वल्स टू एम बाय एन. एम बाय एन
इसको एक क्वेश्चन नंबर थ्री बोल दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए। मुझे एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है मॉलिक्यूलर वेट। यस, नंबर ऑफ सिंपल हम बोलेंगे मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस का वन मोल ऑफ सब्सटेंस लो, उसका जो मास रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑलवेज रिमेंबर, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू टोटल मास। सुन रहे हो ना? नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू टोटल मास, याद रहेगा सबको। तो नंबर ऑफ मोल क्या है एम, मॉलिक्यूलर वेट क्या है एम डब्ल्यू, और टोटल मास क्या है बड़ूआ। मैंने क्या बोला समझा? ये एम, ये मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मास। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट एम डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? M by N। तो यहाँ पे जो M by N है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो? मॉलिक्यूलर वेट, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फोर। फ्रॉम इक्वेशंस थ्री एंड फोर C dash by C equals to मॉलिक्यूलर वेट, तो C dash is equals to मॉलिक्यूलर वेट इंटू सी। मतलब क्या रिलेशन आ गया बेटा बोलो? मोलार स्पेसिफिक हीट इज मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट इज मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, याद रहेगा सबको? सब लेंगे इसको, कम ऑन। स्क्रीनशॉट तेरे स्क्रीन में रह जाएगा, रे फिर आता नहीं कभी नोटबुक दिमाग में भी नहीं आता। अभी लिखो फटाफट। Thank you.
mass of one mole to be 60. Solo one, done. Okay. अभी जो हम लोग आपसे पढ़ने जा रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी जो आपसे पढ़ने जा रहे हैं, मे भी आप लोगों को पता भी होगा ये, पर ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे बहुत सब अलग अलग चीजें थी, सब कुछ साथ हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, देखो कैसे। सॉलिड्स हीट करेंगे कन्वर्ट इनटू लिक्विड, बराबर है, गैसेस को कूल किया तो लिक्विड सॉलिड। अभी जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे हमारा गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन जिसपे हमारा गैसेस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और जब ये लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में जिस टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं?
और जिस टेम्परेचर पे हमारा गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो बोलो, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन डोरेमोन बन गया कि नहीं? अब सुनना मेरी बात, इसका एग्जांपल कोई देगा क्या? सप्लीमेशन का एग्जांपल कैंपर हो गया, नेफ्थलीन बॉल हो गए, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस पे कन्वर्ट होते हैं, गैसेस टू सॉलिड। हाँ अरे है ना, क्या बात कर रहा है? स्नोफॉल, जो स्नोफॉल होता है क्या देखा, सब बारिश के साथ कभी कभी पत्थर आते हैं, ओले बोलते, ओले 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 जो गिरते हैं वो क्या है, वो डायरेक्टली मतलब वो कैसा है, वो वाटर वेपर है, वाटर वेपर से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गए, सॉलिड। गेटिंग विद दिस? तो ये इसका एग्जांपल है, लिख लो इसको भी फटाफट, जब इसे ड्रॉ कर रहे हैं कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लास को Thank you.
हो गया अब हाँ क्या हो गया क्या हो गया एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन में क्या फर्क है? अच्छा उनका रिलेशन बता, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड एरियल एक्सपांशन। हाँ मैं आपको फॉर्मूला बता दे, बोल। अच्छा वॉल्यूम और लीनियर का बता दे, अरे नाला एक आज ही पढ़ा ना, इधर ही पढ़ा, आज ही वहीं से स्टार्ट किया था आपने, बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा नहीं पढ़ा, गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बट ध्यान दे थोड़ा पढ़े में फाइन, क्वेश्चंस पूछो आंसर्स दोगे आप लोग, रेडी हो? ना 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 पूछ रहा क्वेश्चंस पूछो, सब रेडी है आंसर देने के लिए? सार्थक क्या बोलता है? एक ही बात है रे, सेम राशि आती है ना, चलता है ठीक है। चलो एक बात बताओ, नहीं मेरा क्वेश्चन क्या था, संशय में बहुत ज्यादा एनर्जी क्यों मिलती, उस पर ज्यादा हिट क्यों है? देख इसका यहाँ से कुछ भी रिलेशन नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है बेटा। देख एक सिंपल सा बात होता है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन और फिशन दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। हम लोगों ने आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा है, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर बेटा। आप लोगों को ना मैं हिंट देता हूँ इसके बेसिस पे, मतलब एक्चुअली भी क्वेश्चन भी क्यों पूछा अभी मैं बता दूं, इसके बाद हम पढ़ने वाले लेटेंट ही
क्या पढ़ने वाले लैटिन थीम। तो लैटिन थीम क्या है, जरा एक बार समझ के आने का कोशिश करना। अभी संशय में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा मतलब समझ बेटा, अगर एक किलो चारकोल होगा ना, एक किलो चारकोल, चारकोल पता ना कोयला। आज हम लोग ना ऐसा गैस सिलेंडर पे हमारा खाना पकता है, इसके पहले बेटा स्टोव था, उससे भी पहले चारकोल था, लकड़ी था, जला के खाना पकता था बेटा। तो कैसा है ना, अगर हम लोग एक किलो चारकोल जलाएंगे ना, एक किलो चारकोल, एक किलो में तो हम इतने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम लोगों का ना चावल दाल रोटी सब्जी पापड़ सब हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक किलो चारकोल में इतने लोगों का खाना पक जाएगा, ठीक है। तो सोच अगर 1,00,000 किलो कोयला होगा, अगर उसको जलाएंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 1,00,000 किलो कोयला जलाएंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, बहुत ज्यादा बेटा। उतनी एनर्जी ना हमें सन से एक सेकंड में मिलती है, 1,00,000 किलो कोयला जलाने पर जितनी एनर्जी मिलेगी ना, उतनी एनर्जी हमारे अर्थ को सन से एक सेकंड में मिलती है। सोच इतना बड़ा एनर्जी हमें फ्री में मिलने के बावजूद तो हम लोग भिखारी के भिखारी है कि नहीं भिखारी। गैस सिलेंडर के लिए जाके उनको लाइन लगाओ, उनको पैसा दो, डीजल पेट्रोल वालों को दो, अडानी को दो, देते रहते ताकि इतना एनर्जी हमको फ्री में मिल रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस है कि हम उस फ्री वाले एनर्जी को कोई यूज नहीं कर पा रहे, उसके बहुत सारे रीजंस है, लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे फुर्सत मिलेगा तो। फिलहाल हम लोग ना क्या, मैं क्या बताना चाहता था कि जब इतनी एनर्जी हमें मिल रही है हमारे अर्थ को, तो हमारे अर्थ पे ही तो हिमालय भी है, हमारे अर्थ पे और भी सब जहाँ पे बहुत ज्यादा आइस है ऐसे पार्ट है। और पता ना बेटा, अगर पूरा हमारा हिमालय के साथ मेल्ट हो गया ना, हम सब लोग पानी के दूर सूम हो जाएंगे। वैसे भी पता ना सी लेवल बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आइस मेल्ट हो रहा है, एक दो कंट्रीज तो ऑलमोस्ट पानी में डूबने के कगार पे ही है, गेटिंग में डिस्टिंग वाटर का लेवल बढ़ रहा है ना, हमारा अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड वो भी बढ़ रहा है, 24 घंटे से धीरे धीरे बढ़ रहा है। 12th में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स पर, कि हमारे अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कैसे बढ़ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एनी हाउ, तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता था कि जब इतना ज्यादा एनर्जी हमारे अर्थ को मिल रही है सन से, तो हमारा आइस पूरा का पूरा एक साथ क्यों नहीं मेल्ट हो जाता, होना चाहिए ना मेल्ट, क्यों नहीं होता। चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करना, और नेक्स्ट टाइम हम सब मिलेंगे, लैटिन थीम पढ़ेंगे, लैटिन थीम, ठीक है बेटा, चलो बाय।